निजी बातचीत में और मंचों से अपनी बात को उनके सामने रखता हूं। इस्लाम को सुधारने का ठेका हमने नहीं लिया है। मेरा मानना है और यह हमें अपने अंदर आत्ममंथन करना चाहिए, संतों को, महंतों को, नेताओं को, विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापकों को, यह आत्मचिंतन हम नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम दूसरों के अंदर बहुत सारी बातें कहते हैं। मैं आज मानता हूं, पूरे दृढ़ विश्वास के साथ मानता हूं, जिस दिन भी सनातनी हिंदू अपनी सामूहिक शक्ति को पहचान लेगा, इस्लाम तो क्या इस्लाम जैसे सब लोग आपके कदमों में होंगे। इसलिए आज जो लोग सनातन को चुनौती दे रहे हैं, सनातन को गाली दे रहे हैं, कश्मीरी हिंदू पंडितों को मार करके सनातन की व्याख्या कर रहे हैं, हैदराबाद में एक दो कौड़ी का आदमी दिल्ली में आकर के चुनौती देता है, कुछ यहां के लोग भी जाकर के दिल्ली में चुनौती देते हैं, ये गीदड़ इसलिए चुनौती दे रहे हैं कि आप अपने पुरुषार्थ को भूल गए हैं। इसलिए सड़क चलता आदमी इस 95 करोड़ सनातनियों की हत्या कर रहा है और देश चुपचाप बैठा है। मैं आज भी मानता हूं इस बात के लिए, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। हम सब पे उंगली उठा सकते हैं, जिस दिन सनातनी अपनी तरफ उंगली उठाएगा दुनिया सुधर जाएगी। लोग बहुत सारी बातें कहते हैं, राजनीति का व्याख्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, जो समाज अपने अंदर झांकना बंद कर देता है वो समाज जीवित नहीं रहता, और ये काम हमने बहुत पहले से बंद कर दिया है, हमने ठेका दे दिया है लोगों को। लो हमने तुम्हें एमएलए बना दिया, तुमको एमपी बना दिया, हमने तुम्हें ठेका दे दिया है, अब तुम महबूबा की जूतियां उठाओ, उसके स्कूटर के पीछे पीछे भागो, वो कैबिनेट की मीटिंग का फैसला अपने कमरे में लिखती है और नेताओं को पकड़ा देती है, इस पर साइन करो, आपका उप मुख्यमंत्री उस पर साइन कर देता है। अपने बीच में से दलालों को पहचानिए, आपके बीच में बड़े बहादुर हैं। अगर अंकुर ने यह बेड़ा उठाया है कि जब तक शुद्ध सनातनी कश्मीर की विधानसभा में नहीं पहुंचेंगे, ये दलाल बिकाऊ आपका सौदा करते रहेंगे। जो जिसका काम है उसको वो काम करने दें, संतों का महंतों का जो काम था वो काम नहीं कर रहे, वो भी टिकट की लाइन में लगे हुए हैं। जब संसार के सारे लोभ छोड़े थे तो एमएलए बनने का लोभ क्यों प्राप्त हुआ आपको? इसलिए जो जिसका काम है वो अपना काम करे बस। इसलिए सनातनी जिस दिन सच को सच कहेगा, कठुआ में भी कहेगा, श्रीनगर में भी कहेगा, हैदराबाद में भी कहेगा, उस दिन दुनिया की कोई ताकत आपको आंखें नहीं दिखा सकती। इसलिए सनातनियों ने, हमारा शत्रु कौन है यह हमको नहीं पता, इसलिए हिंदुओं के ठेकेदारों ने अपने स्वार्थ और संगठन के चलते आपका सौदा कर दिया है, जगह जगह सौदा कर रहे हैं आपका, इसलिए उनकी जबान नहीं खुलती। जब नुपुर शर्मा को उदयपुर से चुनौती मिलती है और भारत की राजधानी में पागल इस्लामिक जिहादियों की भीड़ यह ऐलान करती है कि नुपुर शर्मा तुम कहीं भी हो तुम्हारा तन सर से जुदा कर देंगे, एक शब्द नहीं निकला आज तक। इसलिए मैं नहीं जानता क्या स्वार्थ है इस भारत में, जितने भी नरसंहार हो रहे हैं स्वार्थी दलाल संगठनों के कारण हो रहे हैं, क्योंकि आपने ठेका दे रखा है कि कोई आपको बचाएगा, दुनिया में कोई किसी को बचाता नहीं है। यह अपने अंदर की शक्ति पहचानिए और उन योद्धाओं को याद कीजिए कि जो आज की चुनौती है उससे ज्यादा चुनौतियां थी, 100 गुना चुनौतियां थी, तब भी उन्होंने अपने बीच से बहादुरों को चुना। और आप वोट देते वक्त जिसकी तरफ इशारा कल नारे सिंह साहब ने करा, जो हम अंदर जानते हैं, जो हमारे अंदर मूल में है, जो हमारे डीएनए में बस गया है, कभी अंग्रेज आए उन्होंने करा, कभी जिहादी आए उन्होंने करा, कभी पुर्तगाली आए उन्होंने करा, हम सबको गाली दे सकते हैं, सबके बारे में बुलाव कर सकते हैं, लेकिन अपनी अंतरात्मा में झांकना नहीं चाहते। सबसे ज्यादा सनातन का नुकसान इस तथाकथित हिंदू संगठन और अलग अलग वस्त्रों में भेड़िए घूम रहे हैं हिंदू बने उन्होंने करा है। बार बार कुछ शब्दों का प्रयोग हमारे यहां किया जाता है, हम जाने अनजाने में नहीं करते, हम बहुत मक्कार और स्वार्थी हैं इसलिए करते हैं, क्योंकि जब हम सच बोलेंगे तो हमको अपनी भूमिका तय करनी पड़ेगी। इसलिए झूठ बोलो, झूठ का प्रचार करो, और अगर कोई सच बोल भी रहा है तो उसे सारी शक्ति लगा करके झूठा साबित करो। ये हमने झूठ बोला,
उन विद्वानों ने झूठ बोला। सारे धर्म बराबर हैं, रोज बोलते हैं पॉलिटिकल लोग, लोकतंत्र में खास तौर से सबसे बड़े झूठे होते हैं, क्योंकि लोकतंत्र और डेमोक्रेसी की मजबूरी होती है कि उसे वोट पंचर वाले का भी चाहिए और एपीजे अब्दुल कलाम का भी चाहिए। इसलिए वो कुछ बातें कहकर एपीजे अब्दुल कलाम को खुश कर सकता है और कुछ बातें उन्हें पंचर वाले के लिए भी करनी है। लोकतंत्र में नेताओं को झूठ बोलने का अधिकार है, लेकिन नेताओं से मेरी कोई शिकायत नहीं है क्योंकि वो उनकी मजबूरी है। मेरा गुस्सा, मेरी नाराजगी उनसे है, न किसी सत्ता से बंधे हैं, न किसी पार्टी से बंधे हैं, दिन रात हिंदुत्व का ठेका लेके घूम रहे हैं, वो हिंदुओं से क्यों झूठ बोल रहे हैं? सवाल उनके सामने है। आज 2022 के भारत में जब दुनिया सेकंडों में, यहां से लेके अमेरिका, अमेरिका से लेके दुनिया के किसी भी कोने में सेकंडों में आपकी बात जा सकती है, तब भी कुछ मूर्ख इस बात से चिंतित हैं कि ये पुष्पेन, आरएसएस सिंह, जीडी बख्शी, सुशील पंडित, ललित अंबरदार, अंकुर शर्मा, प्रोफेसर कपिल कुमार, प्रोफेसर पवन सिन्हा, ये देशभर में सच बोल रहे हैं, उस सच से उन पाखंडियों के ऊपर से नकाब हट रहा है। इसलिए आज क्या कहते हैं, अगर भजन कीर्तन करने से, मंत्र पढ़ने से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर आपको मिल जाता तो 70 साल किसका इंतजार कर रहे थे? कौन है ये महामूर्ख जो आज के सनातनी हिंदू को मिसगाइड करना चाहते हैं? फिर तो सेना को हटा देना चाहिए, दुआएं कीजिए, पूजा कीजिए, प्रार्थना कीजिए, उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज ऐसे मूर्खों को उनका बहिष्कार कीजिए। वो कोई भी हो, अपना भी हो, तब भी हमारी टीम का कोई सदस्य ऐसी बेवकूफी की बात करे, आप बहिष्कार कर सकते हैं। यही सोच के कोई संगठन नहीं बनाया हमने, यही सोच के तय किया कि दुनिया की किसी पार्टी के ऑफिस में हम में से कोई नजर नहीं आएगा। हम किसी सीट के लिए, किसी टिकट के लिए नहीं लड़ रहे हैं। अगर लड़ रहे होते तो कठुआ में इतनी बुलंद आवाज में नहीं बोल पाते। हमसे जिसको नाराज होना है वो कल होता हो, अभी हो जाए। हमारी बात